भगवान कलयुग के अंत में क्यों आते हैं? किसी दूसरे युग में क्यों नहीं आते? शास्त्रों में तो लिखा है हर युग में भगवान आते हैं। बाबा
बाबा कहते हैं इसमें शक की कोई बात नहीं है कि ऐसे क्यों होता है। अगर कोई उल्टे सुलटे प्रश्न करते भी हैं तो कहा जाता है पहले बाप और बच्चे को याद करो, दो बातें बुद्धि में बैठ जाएंगी कि बेहद का बाप कौन है और उस बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कौन सा मिलता है, तो सब कुछ तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगा। उनको बताना चाहिए कि हम कोई मनुष्य की बढ़ाई नहीं करते, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े महात्मा हो, पुण्यात्मा हो, धर्म पिताएं हो, वो सब मनुष्य ही तो हैं। मनुष्य तो भूलों का पुतला है, मनुष्य विकारी होते हैं, मनुष्य ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं तो नर से नारायण बनते हैं। तो हम तो मनुष्य की भी बढ़ाई नहीं करते, हम किसकी बढ़ाई कर रहे हैं? हम तो मनुष्य को देवता बनाने वाले की बढ़ाई कर रहे हैं। हम कोई मनुष्यों के चरणों में न जाते हैं और न मनुष्यों के चरणों में झुकना किसी को सिखाते हैं। यहाँ निराकार बाप को याद कर किसको करना है, उल्टा उठा लेते हैं। देखो बाबा ने तो कहा निराकार को याद करना है, हैं? और वो भी कहा यहाँ संगम में, तो संगम युग में निराकार बाप को याद करना है और दूसरे युग में याद नहीं करना है, तो हर युग में है निराकार को तो याद करते ही चले आए। ये तो झगड़ा रहा सगुण और निर्गुण का, निर्गुण माने निराकार और सगुण माने साकार। हमें लक्ष्य तो दिया जाता है गीता में क्या, कि नर से नारायण बनना है, तो नारायण तो साकार हुआ या निराकार हुआ, साकार हुआ। तो साकार को हमें याद करना है तभी तो हम साकार जैसे गुण धारण करेंगे। चोरों की संगत में रहेंगे, चोर डकैतों को याद करते रहेंगे, उनकी बातें बुद्धि में याद आती रहेंगी, तो हम भी क्या बन जाएंगे, चोर डकैती बन जाएंगे। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे, जैसे का संग करेंगे वैसा ही रंग लग जाएगा। तो कहते हैं मेरा कारोबार को याद करना है, तो यहाँ भी तो बताया निराकार बाप को याद करना है। निराकार को याद करेंगे तो निर्गुण बनेंगे या सगुण बनेंगे, गुण आवेंगे या गुण चले जाएंगे। गुण धारण करना और अवगुण धारण करना ये साकार की बात है या निराकार की बात है? बिंदु बिंदु आत्माएं गुण धारण करेंगी अवगुण धारण करेंगी या बिंदु बिंदु आत्माएं साकार शरीर धारण करेंगी तब गुण अवगुण धारण करेंगी। साकार शरीर धारण करने के बाद ही सगुण कहा जाता है। तो निराकार बाप को याद करना है का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिंदु को याद करना है। निराकार बाप को याद करने का मतलब ही है कि निराकारी स्टेज जितने धारण की हुई है सदा काल, क्या सदा शिव कहा जाता है, जो सदैव ही कल्याणकारी के रूप में है, निराकारी स्टेज में है, उस निराकारी स्टेज वाले को याद करना। क्या निराकारी स्टेज वाले को याद करना है, वो निराकारी स्टेज जो सदैव धारण कर सकता है, चाहे दुनिया उल्टी पलटी हो जाए, उसकी निराकारी स्टेज नीचे ऊपर न हो, और ऐसे को कोई निराकारी स्टेज से हिलाने वाला भी हो, वही शक्ति की स्थापना कर सकता है नई शक्ति की, और वही पुरानी शक्ति का विनाश भी कर सकता है। उस निराकार बाप को याद करना है, घर में बैठे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। निराकारी स्टेज को धारण करेंगे
तो शरीर भूलेगा। ऐसे नहीं कि निराकारी बन जाने का मतलब ये हुआ कि साकार शरीर को छोड़ देना। अरे अगर तो बाप दादा ने भी तो यही सिखाया कि घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो? अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो क्या निराकारी बनने का मतलब ये बताया कि शरीर छोड़ देना, या आकारी का बनने का मतलब ये बताया कि ब्रह्मा बाबा की तरह मम्मा की तरह शरीर छोड़ करके हम आकारी बनते हैं? नहीं, बुद्धि तो ये सिखाती है कि शरीर होते हुए भी हम शरीर के भान को भूल जाए, शरीर के भान को यहाँ तक भूले कि मन चिंतन मंथन से भी हमारी बुद्धि परे निराकारी बिंदु रूप स्टेज में टिक जाए, कोई संकल्प विकल्प भी न चले। क्योंकि अगर संकल्प विकल्पों की दुनिया में मन रमण करता है तो आकारी स्टेज नहीं जाएगी, निराकारी स्टेज नहीं कही जाएगी। तो निराकार बात को याद करना है, घर गृहस्थ में व्यवहार में रहते या ऐसा निराकारी नहीं बनना है जो घर गृहस्थ व्यवहार को छोड़ दो। घर में रहना है, गृहस्थ में रहना है, पत्नी बीवी बाल बच्चों को छोड़ने की बात नहीं बताई। और जो उनके साथ रहते रहते पवित्र नहीं बन बची, स्टेज कैसी दिखाई गई है? चित्र क्या कहता है? जो शिवालय में चित्र रखे हुए हैं वो कौन सी यादगार बताते हैं? किस यादगार को साबित करते हैं? वो ऐसी 100% यादगार को साबित करते हैं शिवलिंग जो मंदिरों में रखे हुए हैं, वो सभी शिवलिंग इस याद को यादगार को साबित करते हैं कि वो प्रवृत्ति है। जलाधारी के साथ दिखाया जाता है, स्त्री और पुरुष का जो अंग है उसी से तो स्त्री पुरुष का अंतर पता चलता है। तो लिंग है मतलब पुरुष है कोई, और जलाधारी है मतलब कोई स्त्री है। तो दोनों साथ साथ रहते हुए भी बुद्धि की स्टेज से ऐसी स्टेज में है, ऐसी निराकारी स्टेज में है जिसमें इंद्रियों का कोई क्षरण नहीं होता, आंख का भी क्षरण होता है, कानों का भी क्षरण होता है, सभी इंद्रियों से क्षरण होता है, शक्ति क्षीण होती है। तब जब लगाव पूर्वक इंद्रियां व्यवहार में आ गई, अगर इंद्रियां लगाव पूर्वक व्यवहार में नहीं आती है तो कोई असर पड़ने वाला नहीं। उदाहरण के तौर पर कोई जा रहा है अपनी महबूबा की याद में जा रहा है, और इतनी गहरी याद में जा रहा है कि उसके सामने से कोई निकल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कौन आया और कौन गया। क्यों? आंख तो भूली हुई थी, आंख भी तो इंद्रिय है, इंद्रिय आंख है, उस खुली हुई आंख ने निकल जाने वाले व्यक्ति को क्यों नहीं देखा? क्या कारण हुआ? क्योंकि वो आत्मा उस समय ऐसी स्टेज में थी कि आंख की इंद्रिय जो है वो अपने विषय को धारण नहीं कर सकती। तो ऐसे ही दूसरी इंद्रियों का भी हिसाब प्रैक्टिस करने की बात है। कैसी प्रैक्टिस हो? प्रैक्टिस ऐसी हो जैसी परमात्मा बाप का हमारा उदाहरण दिया हुआ है, वो है 100%। वो 100% योगी है निराकारी स्टेज में रहने वाला, तो हम भी कम से कम परसेंटेज वाले तो है। वो परसेंटेज वाले बनेंगे भी तब जबकि हम प्रैक्टिस करें। क्या प्रैक्टिस करें? साकार में निराकार में आए हुए जो व्यक्तित्व है, जो साकार में आया हुआ वो निराकार व्यक्तित्व है, उसको हम याद करने को कहते हैं। तो हम भी चलो 100% नहीं बनेंगे तो कोई ना कोई अच्छे परसेंटेज में तो बन जाएंगे।
कैसी पुरुषार्थ करेंगे, कैसी कैसी याद करेंगे, जितनी याद करेंगे उतनी से सुंदर उदाहरण करेंगे। जैसे से हमारा लगाव होगा वैसी हमारी स्थिति बनेगी। तो बताया घर दस्त में व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र बना जा सकता है। तुम जानते हो पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बन गए। ऐसे हम पवित्र बने, सन्यासियों जैसे पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बनेंगे। क्या कैसे बनना है? घरगस्थ में रहते हुए भी बुद्ध योग घरगस्थ से उपराम रहे। जितने लंबे समय की ऐसी हमारी प्रैक्टिस होगी बुद्ध योग की, हम समय पे सो गति हमारी बन जाए। ये अंतिम जन्म है इस मृत्यु योग। क्या हमारा ये अंतिम जन्म है? जैसे वो मनुष्यों की गीता लिखी हुई है उसमें भी कोई बात लिखी हुई है। क्या मैं उस परम नाम का रहने वाला हूँ जहाँ जाकर के आत्माएं फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आती। उन्होंने तो अर्थ लगा दिया कि जिनकी निर्वाण धाम में जाने की स्टेज हो जाती है, जिनको निर्वाण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, वो कभी इस दुनिया में वापस ही नहीं आती। साथ ये वो लगाते हैं कि दुनिया में आना ही नहीं होता, लेकिन ये अर्थ नहीं। दुनिया में आते तो हैं, लेकिन आपकी दुख की दुनिया में नहीं आते। जो एक बार उस स्थिति में पहुंच जाएंगे परमधामी स्टेज में, फिर वापस इस कलयुगी पुरानी दुनिया में तो बताई दुनिया में नहीं आवेंगे। वो कहां आवेंगे? जितनी जितनी उन्होंने निराकारी स्टेज धारण की होगी उतनी उतनी परिपक्व सुख वाली दुनिया में। तो बोला ये तुम्हारा अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में, तुम भी पाप नरक में अभी तुम हो। क्या तुम भी पाप नरक, ऐसा नाम क्यों दिया? जैसे कोई घड़ा भर दिया जाए और उसमें कीड़े कीड़े कुरकुरा रहे हो तो सारे ही कुलबुलाने वाले कीड़े एक दूसरे को काटते रहते। तो ऐसे नरक में तुम हो, तुम खुद भी दूसरों को काटते रहते। सुबह से लेकर शाम तक अपना पोता में चेक करें तो हम पाएंगे मन से वचन से कर्म से हमसे भी ऐसी दुनिया होती रहती, कीड़े मकोड़ों की दुनिया रहती। बिना दुख दिए रह नहीं सकती। ऐसी 63 जन्मों में हमारी प्रैक्टिस पड़ती है। अगर हम निराकारी स्टेज में रहेंगे तो उस पाप कर्म की स्टेज से बचे रहे। तो तुम अभी कुंभी पाक नरक में हो, बाप आए हैं ऐसे कुंभी पाक नरक से निकालने। क्या तुम ऐसी नाली में पड़े हुए हो? जैसे नाली में कीड़े पड़े होते हैं ना, तो तुम्हारी बुद्धि भी ऐसी नाली में पड़ी हुई है जिस नाली में से तुम निकलना चाहते हो, जैसे कीड़े निकलना चाहते हैं फिर भी निकल नहीं सकते। बाप आए थे निकालने। कोई भी दुनिया का मनुष्य गुरु इस कुंभी पाक नरक से निकाल नहीं सका। आप इस दुनिया में आए और इसी दुनिया में रह गए, किसी को वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। एक वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है जिसे शिव कहा जाता है, वो अभी आया हुआ है हमको निकालने के लिए। अभी सिर्फ तुम बाप को और घर को याद करो। क्या बहुत कुछ याद करने के लिए नहीं बताते? बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं है। अगर पढ़ाई है भी तो सिर्फ इसीलिए है कि बाप और बाप के वर्ष की पहचान हो। बाप के वर्ष भी दो प्रकार की है, एक मुक्ति और एक जीवन मुक्ति। है बाप का घर और जीवन मुक्ति है बाप जहां हमको भेजता है। बाप हमको मुक्ति में ले जाएगा, कहां भेजेगा? जीवन मुक्ति धाम में भेजने आया। तो तुम बाप को याद करो
और घर पूजा। माने जब तक घर में नहीं जाएंगे बाप के घर में जाना माना माना बेवान से मर जाए। बाप के घर में जाने का मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ देना, ऐसा बनाने के लिए नहीं आए। क्या बनाने के लिए आए? कि शरीर में रहते हुए ही ऐसी निराकारी स्टेज धारण करें जो बाबा ने बोला है कि तुम बच्चे परम धाम इसी शक्ति पर उतार ले। क्या माने? इसी शक्ति पर हम ब्राह्मणों का कोई ऐसा संगठन बनने वाला है जिस ब्राह्मणों के संगठन में एक एक की निराकारी स्टेज बनी हुई हो। व्यर्थ संकल्पों का आना जाना बंद। अगर आएगा भी तो समस्त संकल्प आएगा। नेगेटिव संकल्प नरक बनाने वाला, कुंभी पाक नरक बनाने वाला कोई भी संकल्प नहीं है। और जब मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि संकल्पों की ही शुद्धि हो जाएगी अथवा तो संकल्प आएंगे ही नहीं तो नरक की दुनिया बन गई। ऐसा फुल स्टाफ हमारा मजबूत हो जाएगा। नहीं तो सुबह से शाम तक कितने व्यर्थ चिंतन चलते रहते हैं, कितने नेगेटिव संकल्प चलते रहते हैं, कितना वातावरण खराब होता रहता है। और हमारा वाइब्रेशन हमारा वातावरण खराब होगा तो हमारे संपर्क में आने वाले दूसरों का खराब हो जाएगा। रोते हुए को कोई देखता है तो उसको भी रोना आ जाता है। जहाँ किसी के घर में कोई मैयत हो गई हो वहां कोई जाकर के खड़ा होकर के देख ले उसकी अवस्था वैसी बनती है कि नहीं है। संकरण तो जरूर लगता है मनुष्य। एक परमात्मा परम पिता ऐसा है जिसको इस धरती पर आने के बाद संघ का रंग प्रभावित नहीं करता। बाकी जो भी मनुष्य आत्मा है चाहे कितनी भी पावरफुल से पावरफुल क्यों न रही हो, इब्राहिम बुद्ध त्राय से गुरु नानक ही क्यों न रहे हो, इस धरती पर आकर के खुद भी नीचे गए और सारी दुनिया नीचे ही जा। इस दुनिया को स्वर्ग बनाकर कोई नहीं गया। कोई मनुष्य गुरु कह भी नहीं सकता कि हमारे गुरु ने स्वर्ग बना रहे। इस सृष्टि को कुंभी पाक नरक से स्वर्ग बनाने का काम एक ही निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर का है। वो बता रहे हैं कि अब मेरे स्वर्ग को जानो और मेरे घर को याद करो, फिर तुम अपने दैवी राजस्थान में चले जाओ। अगर ऐसी स्टेज बना ली, ऐसी प्रैक्टिस कर ली, ऐसी निराकारी स्टेज बना ली कि दुखों से मुक्त हो गए, क्या हमको शिक्षा दी गई न दुख लेना है और न दुख देना है। अगर हमारी ऐसी स्टेज बन जाती है कि हम किसी को दुख देते भी नहीं, ये सहज हो जाता है फिर भी कि दुख देते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, ले तो लेते हैं। दूसरा कोई दुखी करता है, कल करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, तो वो भी स्टेज नहीं। दुख लेना भी नहीं और दुख देना भी नहीं, ऐसी स्टेज बन जाए आपकी। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी माहौल हो, हम अपने को दुखी महसूस न करें तो समझ लो हम मुक्त आत्मा बन। जैसे गीता ने भी बोला है यस्मान लोक विजिते लोको लोकान लोक विजिते जय, लोग जिससे दुखी न हो उद्वेग को प्राप्त न करे और जो लोगों को दुखी न करे उद्वेग को प्राप्त न करे कराए वो है आत्मनिष्ठ व्यक्ति। आत्मलोक में रहने वाला पक्का बन गया ऐसी स्टेज धारण करें। अगर ऐसी स्टेज हम धारण कर लेते हैं माना हमने मुक्त स्टेज को प्राप्त कर लिया। जो मुक्त स्टेज प्राप्त करेगा वो जीवन मुक्त जरूर बन जाए। जितनी जल्दी मुक्त स्टेज को प्राप्त करेगा माना दुखों से मुक्ति, मुक्त माना दुखों से मुक्ति, कोई प्रकार का दुख अनुभव वो पहले देवी राजस्थान में आ जाएगा। अभी की आत्मी राजस्थान है क्या,
राजाओं का तो स्थान है, कुर्सियों पे बैठने वाले, सिंहासनों पे बैठने वाले राजाएं तो हैं, लेकिन कैसा राजस्थान है? आसुरी राजस्थान है। यथा राजा तथा प्रजा, राजाएं भी असुर हैं और राजाओं की जो प्रजा है वो भी आसुरी कर्म करने वाली बन गई। तो बाप ले जाते हैं तुमको मुक्ति नाम अपने घर, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, इस ज्ञान में चलने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई को तकलीफ होती है तो अपने कारण हो, हम कोई ना कोई अवज्ञा करते हैं, श्रीमत के विपरीत चरण चलते हैं, तो इस ज्ञान में चलने वालों को तकलीफ जरूर महसूस होती। तो बोला बाप और बच्चों को याद करना है, ये है अजप आजप। उससे मेरा कार्य तेज में धारणा में रहने वाले बाप को याद करना माना अजप आजप, जिसमें मुख से कुछ जपने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ बच्चे को याद करती है, बच्चा माँ को याद करता है, तो कुछ जपता है क्या? कोई माला का जाप करता है क्या? नहीं, शायद याद आती है क्योंकि संबंध जुड़ा हुआ। ऐसे परमात्मा बाप को जो सदगुरु है वो भी इस सृष्टि पर आता है, आता है और कोई तन के द्वारा निराकारी स्थिति धारण करता है। उस निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर को जो निराकारी स्थिति धारण करने वाला साक्षात स्वरूप है, उसको अगर हम याद करते हैं तो हमारी भी वैसी ही सहज स्थिति बन जाएगी। तो सहज बनेगी याद तो निरंतर याद बन जाएगी। तो बोला ये तुम्हारा आजापा जाप है, मुख से कुछ कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है। क्या तो कोई होते हैं बताते हैं कि जाप दो तरह का होता है, तीन तरह का होता है। एक जाप ऐसा होता है जिसमें माला जपते हैं, जोर से बोलते हैं राम 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 राम। एक जाप ऐसा होता है कि माला तो हाथ में चलती है लेकिन मुख से सुनाई नहीं पड़ता, ओठ नहीं चलते, जीव नहीं चलती, लेकिन अंदर अंदर राम राम चलता है। तो बोला मुख से कुछ भी कहना नहीं, सूक्ष्म में भी कुछ नहीं कहना है, माने अंदर अंदर भी कोई जपने की बात नहीं है। साइलेंस में बाप को याद करना है घर बैठे। बांधेरी बच्चियां भी घर बैठे सुनती हैं क्या? बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो बंधन में है, बाप का बंधन है, पति का बंधन है, ससुर का बंधन है, सास का बंधन है, उनको ज्ञान सुनने के लिए नहीं आने देते, तो उनके लिए भी सहज है क्या? आजकल तो वीडियो कैसेट निकल पड़ी है, उस निराकारी स्टेज में रहने वाले के रूप स्वरूप को तो सब कोई देख सकते हैं, तो जो देख सकते हैं वो याद नहीं कर सकते। देखी हुई चीज तो बड़ी आसानी से याद आ जाती है। तो बांधेरी बच्चियां भी घर बैठ के सुनती हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो बाप कहते हैं हाँ सिर्फ तुम घर में रहते पवित्र रहने की कोशिश करो, क्या याद तुम्हारी तब आएगी जब तुम बांधेरी होते हुए भी घर में रहते हुए भी पति के साथ रहते हुए भी क्या करो, पवित्र रहने की कोशिश करो। कैसे? जैसे अभी बताया तुम्हारी मन बुद्धि का योग जो है उन कर्मेंद्रियों के सुख भोगने में नहीं होना चाहिए। अगर तुमने इस तरह मन बुद्धि से अपनी कर्मेंद्रियों को बस में कर लिया, मन परमात्मा की याद में ऐसा लग गया, तो तुमको वो अनुभूति नहीं होगी जो सुख अनुभव होता है संसार वाला। और जब तुमको सुख अनुभव नहीं होगा तो तुम्हारा कोई पाप कर्म भी नहीं बनेगा, पाप कर्म भी नहीं बनेगा, और साथ साथ में तुम्हारी बुद्धि भी नहीं बनेगी, बुद्धि तुम्हारी निराकारी स्थिति धारण करने वाली बनेगी। तो कोई कठिन बात नहीं बताते हैं, पाप सिखाते हैं, फैसले राजी हो, पवित्र रहने की कोशिश करो, या नहीं
कि कोई कहने लगती है कि हम तो बांधेली हैं, हम तो पवित्र नहीं रह सकते। नहीं, बांधेली होने वाली जी माताएं घर गृहस्थ में रहते अपने मन बुद्धि से पवित्र रह सकती। तन बंधन में है, मन को तो कोई नहीं बांध सकता। तन बांध लेता है तो बांध नहीं, तन बांधता है मन को अपने कंट्रोल में। परमात्मा बाप को बच्चा बनाओ, वो तो बच्चे को बीच में रखो। तुम्हारा मन जो है अगर आपने कंट्रोल में रहेगा तो तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं करेगा। बोलो, हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं कि तुम पवित्र बनो। हमें कृष्ण का साक्षात्कार होता है, कुछ कुछ युक्तियां युक्तियां निकालो। प्रिया चरित्र तो बहुत प्रसिद्ध है, अभी मौत सामने खड़ा है, ऐसा हम तो बन चुके हैं। जब से ढेर के ढेर भगवान जी के लिए हिंदुस्तान में सभी पे एटम बम बनना शुरू हुए, तो ढेर के ढेर भगवान जी के लिए है तो जरूर कोई उनमें से सच्चा हीरा भी होगा। जरूर भगवान आता है तो उस दुनिया के विनाश की सामग्री भी तैयार कराता है और नई दुनिया स्थापन करने के लिए ज्ञान भी सुनाता है। तो अभी मौत सामने खड़ा है, तुम तो अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। क्या अगर कोई तंग भी करता है ना, तो तंग होने वाला क्या करने लग पड़ता है? अगर कोई तंग करता है तो तंग होने वाला क्या करने लग पड़ता है? बोल बोल करता है कि नहीं है? तो बाबा कहते हैं नहीं, अब तुम्हारी कौन सी अवस्था है? वानप्रस्थ, वाणी से परे रहो। कोई कितना भी तंग करे, कितना भी तुमको हिलाने की कोशिश करे, तुम्हारे तन को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे धन को, तुम्हारे संबंधियों को, लेकिन तुम कैसी से धार कर लो? एक चुप 100 बोल्टों को हरा देता है। तो ऐसी चुप्पी धारण करो, बाहर की चुप्पी धारण करने की बात नहीं कि बच्चा कमरे में पड़ा हुआ है, कमरे में आग लग गई और तुम चुप्पी धारण कर लो। बाहर की चुप्पी धारण करने की बात नहीं है, मन के अंदर संकल्प विकल्प न चले। कैसी चुप्पी धारण करो कि बाहर देखो नहीं बोल रहे हैं लेकिन मन के अंदर घुमारा चल रहा है संकल्पों पर कर्मों का, तो उसको वानप्रस्थ नहीं करेंगे, वो तो और ज्यादा खतरनाक तेज हो गई। तो बोला वानप्रस्थ अवस्था तो सबकी है, वानप्रस्थ अवस्था में कभी विकार का ध्यान थोड़ी जाता है। वो 7 साल के हो जाते हैं वो वानप्रस्थ हो जाते हैं, वानप्रस्थ हो जाते हैं तो बाबा ने कहा तुम सब की अभी वानप्रस्थ अवस्था है, सबका अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, अब विकार की बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। परंतु आजकल तो 60-70 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं, वानप्रस्थ लेते ही नहीं। अभी बात सारी दुनिया के लिए कहते हैं सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, 60-70 वर्ष वालों की तो वानप्रस्थ अवस्था है ही है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं 7-8 साल के 5 साल के, उनकी भी वानप्रस्थ अवस्था है। उनकी बुद्धि में भी अगर ये बैठ जाएगा कि भगवान आया हुआ है, माँ बाप अगर ज्ञान में चलते हैं बच्चे भी ज्ञान में चल पड़ते हैं आसान, उनकी बुद्धि में तो और ही छप जाता है भगवान का स्वरूप, तो उनकी बुद्धि में अगर छप जाएगा तो वो तो और भी नहीं भूलेंगे। तो सारी बुद्धि और एक कागज पर कोई छोटा सा स्पॉट लग जाए तो जल्दी छूटता नहीं। तो बोला अभी सारी दुनिया की बात सब समझता है, सभी को वापस जाए, वापस जाते हैं तो घर को याद करते। क्या कोई कहीं तीर्थ यात्रा पे जाता है तो तीर्थ यात्रा से जब लौटना होता है तो कहाँ याद आता है? घर याद आने लगता है, क्योंकि तीर्थ यात्रा जाने में यात्रा में तकलीफ होती है, सफर करने में तकलीफ जरूर होगी, तो जो सफर का दुख है वो घर लौटने की याद में थोड़ा कम होने लगता है। तो बोला वापस जाना है, अभी तुम सब वापस जाते हो तो घर को याद कर लो, फिर आना भी भारत में ही है। क्या
तुम जितने भी पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हो, है? जो बाप को याद करने वाले, जिन्होंने बाप को पहचाना है, उनको वापस भी कहाँ आना है? आज वही वापस आना है। नई दुनिया बनेगी, स्वर्ग बनेगा, सत्युग स्थापन होगा, तो सत्युग में तुम बच्चों को पहले आ, वो इनाम तुमको पहले जरूर मिलेगा स्वर्ग। नई दुनिया में तुमको वापस आना है, मुंह तो घर घर की तरफ होगा। हम जानते हैं कि हमको स्वर्ग की दुनिया में, इसी दुनिया में, भारत में वापस आना है, लेकिन मुंह हमारा कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग में नहीं सीधे जा सकते क्या? हाँ, अपने घर में हमारा मुंह होना चाहिए, माने निराकारी स्टेज की तरफ हमारा बुद्धि होनी चाहिए। संकल्प विकल्पों से परे की स्टेज में हमें पहुंचना है, और बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते। बड़ा सहज है, घर में भले भोजन बनाओ, शिव बाबा की याद में बनाओ, क्या ये भी नहीं करते कि भक्ति मार्ग की अत्यंत घंट करते रहो कि भोग लगाना है, ये करना है, ठाकुर जी को स्नान कराना है, नहीं, क्या करो? भोजन बनाते हो तो शिव बाबा की याद में भोजन बनाओ, घर में भोजन बनाते हो तो पति याद पड़ता है ना, जिसके लिए जो काम किया जाता है तो वो याद आता है ना। मान लो राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने किसी को कोई काम दिया, तो काम करने वाले को कौन याद आए? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री याद आएगा ना। तो यहाँ बाप ने तुमको काम दिया हुआ है, क्या काम दिया हुआ है? बाप और बच्चे को याद करो और दूसरों को याद कराओ। जैसे घर में पत्नी भोजन बनाती है तो किसकी याद में बनाती है? किसकी याद आती है? भोजन बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं? तो पति के लिए बना रहे हैं, पति याद आ जाता है। तो ऐसे ही तुम बच्चों को घर गृहस्थ में रहते एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहते हैं वो तो पतियों का पति है, तो एक पति के लिए भोजन बनाती रही थे सज्जन। अभी तो कौन आया हुआ है? अभी तो तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है, क्या? जो तुम्हारे पतियों का भी पति बन करके रहा है वो आया हुआ है, तो उनको याद करो जिससे एक ही जन्म वर्षा मिलता है, क्या? उसको याद करो जिससे एक ही जन्म का वर्षा मिलता है। वो लौकिक बाप होता है उसे तो एक जन्म का भी वर्षा मिला मिला न मिला, और वो वर्षा भी स्थायी रहा या नहीं रहा, लेकिन इस बाप से तो, बेहद के बाप से तो 21 जन्म के लिए तुमको वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती है, तो जहाँ छुट्टी नहीं मिलती है काम धंधे में रहना पड़ता है, नौकरी धंधे में रहना पड़ता है, वहां भी रह करके बाप और बच्चे को याद कर सकते हैं? कारखाने में जाते तो कोई याद नहीं कर सकते हैं? जब कारखाने में रहने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी महबूबा को याद कर सकता है कारखाने में काम करते करते, तो अपने बाप को याद नहीं कर सकते, जिससे इतनी प्राप्ति होती है। अच्छा, छुट्टी नहीं मिलती तो वहां भी बाप को बच्चे को याद करो, अपना तो तुम छुटकारा कर लो, नौकरी से छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन अपनी आत्मा का तो छुटकारा कर लो। बाप से पूरा वर्षा ले, धीरे धीरे छुटकारा तो मिलना ही है, कोई कितना भी बंधन में हो, क्या? यज्ञ की शुरुआत में कोई कोई ऐसी बांधेली आती है जिनको 7 सालों के अंदर रखा जाता है, क्या? 7 सालों के अंदर, जैसे आजकल जेल होती है तो 7 गेट 8 गेट होते हैं, उनमें से पतार ऊपर के ऊपर सब ताले खोले जाते हैं, तब कहीं बाहर जाने देता है। तो 7 सालों के अंदर जिनको रखा गया था उनको भी 1947-1947 में क्या हुआ? हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो झगड़ा हुआ उनमें सब छूटे नहीं हुए, जो खून की नदियां बही उसमें किसी को पता ही नहीं रहा कि हमारी पत्नी किधर है, बच्ची किधर है, बाप किधर है, साफ कर बचे हुए। उनको मौका मिल गया, वो छूटे नहीं होगी। तो
सब कुछ छुटकारा तुझे नहीं, जो आज नहीं हुआ तो सब अंत में जो छुटकारा तो तुमको मिलना ही है। हाँ तो रुद्र ज्ञानी है कि मैं बिघ्न जरूर तुमको भी छुटकारा मिलना है ये पक्का है, लेकिन थोड़े बहुत बिघ्न तो जरूर पड़ेगा। आखिरी जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में वो माँ था एक के रही बिघ्न डालने वाली क्या, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तब वो आकर के माता के कहेंगे बिघ्न तो पड़ेगा। क्यों क्यों बिघ्न पड़ेंगे, क्योंकि पूर्व जन्म में 63 जन्म जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों का रिटर्न तो हमको मिलना चाहिए ही नहीं है। तो अभी पूरी दिकाटा हो रहा है हमारा, हमने तो बहुत ही पाप किए होंगे, निरंकर तो होकर के हमने दूसरों को सुख दिया है, लेकिन अभी हमारा सूर्य से कांटा हो रहा है ये विघन तो पड़ेंगे, इसमें धैर्य धरने तक ना उतावली नहीं करनी है। ये विघन अभी तक क्यों पड़ रहे हैं, इतना लंबा टाइम हो गया ये खत्म क्यों नहीं होते, घर बैठे पति मित्र संबंधी को एक बात समझाते रहो बाप का फरमान है मुझे याद करो और मेरे से बच करो, वर्षा देने वाला नहीं हो सकता क्या समझाओ। कृष्ण बलराम ज्यादा लेकर आज तुमको वर्षा नहीं, इस वक्त भी क्या था नहीं हुआ कि हमको पहले किसको समझाना है, हमारी दुनिया कौन सी है, वो बाहर की दुनिया तो हमारी बुद्धि में से निकल गई, अब हमारी अपनी दुनिया कौन सी रह गई, जो ब्राह्मणों की दुनिया है वही हमारी दुनिया है। उस ब्राह्मणों की दुनिया में जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि दादा लेखराज उस कृष्ण की आत्मा से हमको वर्षा मिलना है, उनको ये बात पहले समझो, वो हमारा दरगत व्यवहार है ना, तब वो हमारा बेहद का परिवार है, बेहद का परिवार है, तो बेहद के परिवार की बाकी है उनको पहले ये बात समझाओ क्या कृष्ण तो वर्षा देने वाला कृष्ण बनाम दादा लेखराज ब्रह्मा से वर्षा तुमको नहीं मिलेगी, वो क्या समझे बैठे वो गीता का भगवान किसको समझे बैठे हैं, मुख से तो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है लेकिन याद किसको करते हैं, 18 जनवरी आती है तो स्पेशल याद किसकी आती है, तो ब्रह्मा बाबा की याद आती है, तो उनको समझाओ कि साकार की याद करने से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा, किसकी याद करने से वर्षा मिलेगा, जो इस धरती पर आया हुआ है साकार तन में आया हुआ है लेकिन साकारी तन में आते हुए भी निराकारी स्टेज वाला, जिस तन में आता है वो भले आकारी स्टेज वाला हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसी स्टेज वाले आकारी माने मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाले, तो जिसमें आता है वो भले साकारी आकारी स्टेज वाला हो लेकिन जो आया हुआ है वो कैसे स्टेज में रहने वाला है, निराकारी स्टेज में रहने वाला है, तो ऐसी निराकारी से धारण करने वाला कृष्ण सोल नहीं होता, मानी कृष्ण की सोल अभी उस रूप में नहीं हो सकती जो निराकारी स्टेज वाली, क्यों क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये रंगमंच है ड्रामा, इस ड्रामा में कोई का हीरो का पार्ट है और कोई का हीरोइन का पार्ट, हीरोइन माने माता और हीरो मन तो इस ड्रामा का जो हीरो है वो तो निराकारी स्टेज धारण कर सकता है क्योंकि पिता है, पिता निराकार होता है, पिता बीज होता है, क्या होता है बीज डालने वाला स्वयं क्या होगा, स्वयं बीज होता है और माता धरणी होती है, बीज कहाँ डाला जाता है धरणी में डाला जाता है, तो कन्या माताएं एक तरह से धरणी है और उन कन्या माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली जो सोल है वो कृष्ण की सोल है, इसने कौन सा पाठ बजाया, वर्षा देने वाले बाप का पाठ बजाया क्या है, वर्षा देने वाले बाप का पाठ नहीं बजाया, जो भी वाणियां चली है मुर्गियां चली है उनका क्लैरिफिकेशन देने का पाठ बजाया क्या, नहीं टीचर का पाठ नहीं बजाया, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले सदगुरु का पाठ बजाया क्या, नहीं मुक्ति जीवन मुक्ति
देने वाले सदगुरु का पाठ उस तन के द्वारा नहीं करा। बाप है वो निराकारी स्थिर धारण करने वाला है, वो ये तीनों पाठ बन जाता है। बाप बाप भी है उसी चोले से, उसी चोले से टीचर भी है उसी चोले से, सदगुरु भी एक ही है, तीन पाठ बन जाते हैं। लेकिन कृष्ण की चोल कौन सा पाठ बजाती है? सिर्फ माँ का पाठ, माँ की तरह उसने प्यार दिया है, पालना की है। क्या जैसे माँ कुछ नहीं लेती बच्चों से, माँ को कुछ बरसा मिलता है? तो भक्ति मार्ग में 63 जन्मों में कोई परंपरा नहीं रही, माँ को कभी कोई बरसा नहीं मिला। माँ के जो बच्चे होते हैं उनको फिर बरसा मिलता है और माँ को बरसा भी नहीं मिलता। ये परंपरा कहाँ से पड़ी? ये कल्पवृत्ति परंपरा है। परमात्मा बाप जब आते हैं जिस तरह माँ का पाठ बजाते हैं, वो माँ का इस दुनिया से कुछ भी लेकर के नहीं जाते। तो बोला प्रश्न तो नहीं हो सकता है, बाप को याद करना है, बाप का ही परिचय देना है। जो सब जानते हैं कि हमारा बाबा शिव बाबा वो अभी अभी याद रखनी पड़ेगी। क्या बात है? कोई कहे हम द्वापर कलयुग में याद कर लें, सती को त्रेता में याद कर लें, वहां याद नहीं आ सकती बाप की। बाप की असली याद कभी याद पड़ेगी? अभी अभी मानो संगम युग। और संगम युग में जो भी बोल रही है, संगम युग में तेरी याद अच्छी पड़ेगी। तेरी किसको बोले बोलने वाले शिव? सुप्रीम सोल की बुद्धि में कोई एक आत्मा है जिसके लिए बोला कि तेरी याद अच्छी पड़ेगी संगम में। और किसी की अच्छी पड़े या न पड़े, कठिन याद भी हो जाए, लेकिन तेरी याद अच्छी पड़ेगी। थोड़े समय के लिए ये बंधन मार की याद ही, दुनिया में अगर थोड़ा बहुत बंधन भी आता है तो थोड़े समय के लिए है, सदाकाल के लिए नहीं होगा। मारपीट भी अगर होती है तो तेरी अगर मारपीट भी हुई तो थोड़े समय के लिए मारपीट होगी, सदाकाल के लिए पिटाई दुकान मेरी माता मुझे को बेचारी रोज पिटती। तो तेरी यहाँ सहज हो सकती है, तो यहाँ सहज है, थोड़े समय के लिए बंधन है, मारपीट आदि है, आगे चल करके ये सब बंद हो जाए। कोई बीमारी होती है तो दर्द छूट जाती, कोई बीमारी ऐसी होती है जो वर्ष दो वर्ष तक भी चलती रहती। क्या ये बंधन भी ये बीमारी है? हमारे पीछे ये बीमारी लगी हुई है, तुमने जरूर किसी को बंधन में पूर्व जन्म में डाला होगा तो तुमको भी बंधन मिल रहा है। तुमने पूर्व जन्म में किसी की मारपीट की होगी तो तुमसे अपना हिसाब किताब जरूर लेगा। तो घुसी घुसी हिसाब किताब किसको करना चाहिए? या कर्जा चुकाते समय रोना चाहिए? दुनिया में भी लेते समय तो बड़े खुशी खुशी से ले लेते हैं और जब चुकाते हैं फिर तो रो रो के देते हैं। तो ऐसे नहीं करो, क्या करो आगे चल करके ये मारपीट बंधन आदि सब खत्म हो जाएंगे। कोई बीमारी वर्ष दो भी चलती है इसलिए भी उपाय एक ही है, बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे सब बंधन छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धैर्य धारण करना चाहिए। कोई कोई को आकर वेला होती है ना, अरे कब से पैसा सब सब खत्म होने जा रहे हैं, इतने साल हो गए और अभी तक बंधन बंधन तो किसी भी नहीं करते दिखाई पड़ते। जब किसी के बंधन नहीं कटे दिखाई पड़ते इतने दिन हो गए तो अब किसे बंधन कट जाएंगे? नहीं, संगम की आय कितनी बताई तो अभाव बताइए। तो धैर्य धारण करना चाहिए कि नहीं धारण करना चाहिए? बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते जा देंगे, बंधन छूटते जा देंगे। ये विकर्मों के भी बंधन है, ऐसे नहीं कि बाबा आया हुआ है तो हमको बंधन पड़ गए, ये दुनियादारी के बंधन है। नहीं, हमने किया है तो हमको ये बंधनों का सामना करना पड़ रहा है। विकार को ही नंबर वन बंधन कहा जाता है। तो बंधन और कोई दूसरा नहीं,
अगर बांधेली माताएं ज्यादा बंधन में है तो इसका मतलब उन्होंने ज्यादा विकार भोगे, इसलिए आतर मेला में नहीं आना चाहिए। ये विकार को ही बंधन कहा जाता है, नंबर वन बंधन है विकार। बाबा कहते हैं अभी तुम विकर्मा जी की बनते हो, इन विकारों के ऊपर जीत पाते हो, याद से ही विकर्मा जी को बना जाता है। याद से ही विकर्मा जी को बना जाता है। कौन सी पार्टी के नाम में बात हो रही है? जयपुर पार्टी का। तो जीत पानी के हर खाते रहना जीत पानी है। आप तो रोज जयपुर नाम पड़ गया होगा, नहीं विक्रमा जी बनना है, फिर सब खाते खराब हो जाए, सुख का काटा शुरू हो जाए। फिर सब जन्मों का हिसाब किताब जब कट हो जाएगा तो फिर आत्मा सुख में अनुभव करने लग पड़ेगी, इस शरीर में रहते हुए भी सुख धाम का अनुभव कर सकते हैं। वो तो लोग कहते रहते हैं साधु सन्यासी और उनके चेले कि हमारे गुरु जी जीवन मुक्ति स्टेज को पाए हुए, क्या जीवन मुक्ति स्टेज, लेकिन जीवन मुक्ति स्टेज किसी की नहीं, जीवन मुक्ति स्टेज को तुम बच्चे अनुभव करेंगे शरीर में रहते हुए। तुम्हारा सुख का साथ शुरू हो जाएगा। तो व्यापारियों के लिए ये बातें बहुत सहेगी, समझते हैं पुराना खाता खराब होकर अब नया जमा करना है, याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा। तो ये भी तुम्हारा व्यापार है, क्या स्मृति और विस्मृति का व्यापार है। जितना स्मृति में रहेंगे उतना तुम सुखी बनेंगे, और जितना विस्मृति में रहेंगे उतना तुम खुश होंगे। घाटा कब होगा? घाटा और वाटा कौन ज्यादा जानते हैं? जो भाई लोग ज्यादा वाटा घाटा जानते हैं, नौकर पैसा उतना घाटा बाटा घाटा उनकी बुद्धि नहीं जाती। तो ये भी व्यापार है। बाबा तकलीफ तो कोई नहीं देते हैं, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर तुमने धक्के खाए। क्या एक बार बाप को देख लिया तो क्या बाबा कहते हैं भले फिलहाल से चले जाओ, बार बार मिलने के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं है। विलायत में रह करे तुम सर्विस करते रहो बाबा के पास, फूलों को ट्रांसफर करते रहो, इसमें धक्का खाने की कोई बात नहीं है। जिन जिन तुमने धक्के खाए साधु संत आदि सब कहते हैं पति पावन आओ गंगा स्नान जाया करते हैं, जरूर पति हैं तब तो पावन बनने के लिए स्नान करते हैं। पति न हो तो जाकर के गंगा में स्नान क्यों करते, कहते गंगा पति पावनी, परंतु तुम ये समझते नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें आ गई। क्या कि वो पानी की गंगा में स्नान करने की बात नहीं है? कौन सी गंगा में स्नान करने की बात? ये ज्ञान गंगाएं हैं, ये ज्ञान गंगाओं को कलश मिला हुआ है, उनसे अगर ज्ञान सुनेंगे तो तुम पति से पावन बनो। सब क्या इशारा दिया कि वाणियों को बैठ करके ज्ञान नहीं सुनाना, उल्टा हो जाएगा। न माताओं को वाणियों से बैठ करके ज्ञान सुनना चाहिए, क्यों क्यों नहीं सुनना चाहिए, क्यों नहीं सुनना चाहिए? ज्यादा विकारों में बुद्धि किसकी चलती है? ज्यादा विकारी कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, स्त्रियां होती हैं, पुरुष ज्यादा विकारी होते हैं, तंग भी ज्यादा पुरुष करते हैं विकार के लिए, स्त्रियों में तो लाज रहती है, उनमें इतना ज्यादा विकार नहीं होता, इसलिए मुझे वो बोला जितने पुरुष सब दुर्योधन दूसरा क्या बोला, जितने भी पुरुष हैं विकारी तो सारी दुनिया है, सारे पुरुष मात्र विकारी हैं, लेकिन जो विकार के लिए दुष्ट युद्ध करते हैं, जो जबरदस्ती का शासन करते हैं बांधा बूंदी करते हैं, वो बड़े भारी विकार। तो ऐसा बंधन डालने का काम, ऐसा विकारी बनने का काम पुरुष ज्यादा करते हैं या स्त्री ज्यादा करती है? पुरुष ज्यादा करते हैं। तो जो पुरुष है ही दुर्योधन दुशासन, उनसे बैठ करके सुनोगे तो क्या बनाएंगे? जो पुरुष ऐसा होगा
वैसा ही बना लेगा। तो बोला पति तो दुनिया में सब पति है, खुद को पति समझते नहीं। तुम्हारी दुनिया में ये सारी बातें हैं कि पति दुनिया किसको कहा जाता है, भावन दुनिया किसको कहा जाता है, शास्त्रों में तो प्रतीक देता को पति तो बनाएगी। जो दुनिया भगवान ने बनाई थी तत्व प्रधान दुनिया, वो उसमें भी असुरों को दिखा दिए है, देवासुर संग्राम हुआ बताया उसमें असुर दिखा दिए, राम रावण का युद्ध हुआ त्रेता में दिखा दिए। तो सत्य वो त्रेता में वास्तव में वहाँ दुखों की बात होती नहीं, वहाँ असुरों की बात, दुख देने वालों की बात ही नहीं। वहाँ कितनी कितनी गंदी गंदी बातें शास्त्रों में लिख दी है कि सत्य वो त्रेता में भी ऐसे होता है, इन बातों को कोई एतवार नहीं करेगा। मनुष्यों को तो जो सुनाओ तो सब सब सत्य है। अब इसका तो बात कितनी अच्छी रीत समझा, सारा झूठ भरा हुआ है शास्त्रों में। शास्त्र रचना है या रचयिता है? रचना है। किसकी रचना है? मनुष्य की रचना है या भगवान की रचना है? शास्त्र मनुष्यों ने शास्त्र रचे, तो मनुष्यों ने जो शास्त्र रचे हैं, रचयिता ही जब विकारी है, मनुष्य विकारी है, तो उसकी रचना भी विकारी होगी। बोला शास्त्र सब झूठे हैं, मनुष्य को बनाए हुए हैं, गॉड ही सत्य बताते हैं। गॉड इज द ट्रुथ कहा जाता है, क्या शास्त्र रचने वाले ट्रुथ नहीं कहे जाते, गॉड ही सत्य बताते हैं, बाकी सब झूठ है। एक सतगुरु सच्चा और बाकी सब गुरु। इसलिए सिखों ने ये गायन भी है, एक सतगुरु अकार मूल, एक सच्चा सतगुरु अकार मूल। तो जब एक सतगुरु है सच्चा गुरु है, तो बाकी गुरु कैसे हो गए? बाकी सब झूठे गुरु। कंट्रास्ट देखो, बाबा कैसा समझाते और मनुष्य क्या समझाते हैं, ये ड्रामा है फिर भी ऐसे ही क्या? ये ड्रामा होगा वो रिपीट होता रहता है। अभी बाप समझा के जाते हैं सारी मनुष्य सत्य को, एक सच्चा और बाकी सब झूठे, इसलिए यादगार में एक ही कथा दिखाते हैं। किसकी? एक ही कथा प्रसिद्ध है, बाकी किसी की कथा? सत्यनारायण की कथा घर घर में सुनाते हैं। सत्य लक्ष्मी जी क्यों नहीं सुनाते? माने लक्ष्मी भी कुछ न कुछ झूठती रही है। एक सत्यनारायण ही सच्चा रहा है जिसमें परमात्मा सुप्रीम स्वरूप आप प्रवेश करता है, एक सदगुरु ही सच्चा है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। ये ड्रामा है, ऐसे ही फिर भी होगा दुर्गति से फिर ज्ञान मार्ग में जाएंगे, दुर्गति सदगति फिर सदगति, क्या सदगति माना? बुद्धि में सच्चे सच्चे विचार चले, सच्ची सच्ची बातें चले, जहां सत्य होगा वहां दुख का नाम लेता नहीं। सत्य बुद्धि माना दुख नहीं, और असत्य बुद्धि माना दुख ही दुख। रामायण में भी ऐसी बोल दिया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाम, जहां कुमति तहां विपत्ति नाम। जहां बुद्धि शुद्ध होती है, सच्ची होती है, वहां सुखी ही सुख होता है। जहां दुर्बुद्धि होती है उस दुनिया में, किस घर में जाओ वहां दुख ही दुख लगा। बोला दुर्गति के बाद सदगति और सदगति के बाद दुर्गति होती, ये ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम ये बातें जानते हो, क्या जानते हो? 31-65 की मुरली का तीसरा पेज। अभी तुम जानते हो हम सदगति को पाते हैं, काहे से सदगति को पाते हैं? अपनी मनमत पर चल रहे मनुष्य गुरुओं की मानव चल रहे हैं नहीं, एक सीमत से सदगति, बाकी मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। इसलिए हर घर में ये सलोगन टांग देना चाहिए, एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। अभी हम श्रीमत पर चलते, नहीं तो इतना उच्च पद नहीं मिलेगा कि
ज्यादा अगली बात ये है क्या, अगर एक सत्य की सत्य जो है एक कृत बार फादर की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद मिलेगा, ऊंच से ऊंच पद मिलेगा। अगर थोड़ा भी मनुष्य गुरुओं के मत पर चले या मन मत पर चले तो